नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल UK इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अब टैबलेट स्मार्टफोन वारंटी डिविजन लिस्ट नए साल से पूर्वांचल में शुरू होगा वितरण। बता दें कि वाराणसी डिवीजन में शुरू होगा वितरण। यूपी में टैबलेट और स्मार्टफोन की लिस्ट जारी हो चुकी है नए साल से। यूपी में टैबलेट और स्मार्टफोन वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, मऊ इन जिलों में बांटने निर्णय लिया गया है। टैबलेट स्मार्टफोन 2022 के प्रथम सप्ताह में बांटने का प्रयत्न होगा। जिन छात्रों का नाम लिस्ट में आया है उनके मोबाइल नंबर पर उनको सूचित किया जाएगा कि आपका नाम लिस्ट में आ चुका है और आपको मोबाइल व टैबलेट बांटा जाएगा और उसके साथ साथ उसमें दिनांक भी दिया जाएगा कि आपको किस दिन जो है अपना मोबाइल और टैबलेट जाकर लेना है। अब टैबलेट स्मार्टफोन लिस्ट वारंटी। हालांकि अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि यह स्कूल में बांटा जाएगा या फिर कहीं एक लोकेशन दी जाएगी जहां पर यह बांटा जाएगा। अभी यह सुनिश्चित नहीं हुआ है, लेकिन यह स्कूल में भी बांटा जा सकता है। लिस्ट जारी कर दी जाएगी और स्मार्टफोन और टैबलेट जो है स्कूल को दे दिया जाएगा। स्कूल में होगा तो स्कूल में, नहीं होगा तो लिस्ट में जिन कैंडिडेट का नाम आया है उनको बताया जाएगा कि टैबलेट कहां मिलना है, तो छात्र वहां से जाकर टैबलेट स्मार्टफोन रिसीव कर सकते हैं। छात्रों को किया जाएगा सूचित। छात्रों के मोबाइल नंबर पर मैसेज किया जाएगा कि वह लैपटॉप है, टैबलेट व स्मार्टफोन के लिए लिस्टेड हुए हैं। उन छात्रों के जहां पर उन्हें टैबलेट स्मार्टफोन दिया जाएगा वहां पर क्या क्या ले जाना है, यह सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। वहां पर आपको आधार कार्ड की एक प्रति ले जाने हैं और ओरिजिनल आधार कार्ड भी ले जाना है, क्योंकि वहां पर वेरीफाई होता है कि आप ही हो या दूसरा कैंडिडेट आया है लेने। उसके साथ क्या करेंगे, जब आधार कार्ड ले जाओगे तो वहां पर आधार कार्ड की एक प्रति जो है वह जमा करा ली जाती है। ओरिजिनल आधार कार्ड आपको वापस कर दिया जाता है, वह उसकी एक प्रति जो है स्कूल में जमा करा ली जाती है। टैबलेट स्मार्टफोन के लिए ले जाना होगा शपथ पत्र। जब आप टैबलेट हवाई स्मार्टफोन के लिए लिस्टेड हो जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको एक शपथ पत्र साथ में ले जाना होगा। उसके बगैर आपको स्मार्टफोन और टैबलेट नहीं दिया जाएगा। मैं आपको एक PDF के रूप में शपथ पत्र शेयर कर लेता हूं। जिन छात्रों का मैसेज के द्वारा उन्हें सूचित किया जाता है कि आप लिस्टेड हो चुके हैं, कृपया वो शपथ पत्र को भर ले और शपथ पत्र को भरने के बाद उसे केंद्र पर ले जाएं जहां उन्हें बुलावा आया है, स्कूल, कॉलेज में या तो कहीं अन्य जगह जहां पर उन्हें बताया गया कि यहां पर स्मार्टफोन व टैबलेट वितरण किया जाएगा। वहां पर शपथ पत्र को ले जाना है। बिना शपथ पत्र के स्मार्टफोन व टैबलेट आपको नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार का अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल UK इंडिया न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।